शैली, मिस मधुमिता घोष को बुला लेते हैं, ओके? मैं कम इन सर। प्लीज कम। मिस सुहानी कहाँ है? हम लोग आप ही का इंतजार कर रहे थे। हम लोगों को तो लगा आप आ नहीं पाएंगे। सॉरी सर, वो मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। आपको आने में देर जरूर हुई है, लेकिन अभी भी हमारे पास वक्त है। आपकी फिटनेस फाइल? जी सर। मिस्टर शर्मा, क्या कह रही हो तुम रमोला? सुहानी को फिटनेस सर्टिफिकेट मिल गया और उसे 27 कंटेस्टेंट्स में फाइनल भी कर दिया गया। पता नहीं आजकल सिलेक्टर्स के चॉइस को हो क्या गया है। इस तरह से अगर मिस इंडिया का लेवल गिरता रहेगा ना, तो मिस इंडिया का रिश्ता तो ग्लैमर वर्ल्ड से छूटकर एक ऐसी दुनिया में जुड़ जाएगा जहां पर सिर्फ गवार और बदसूरत लोग बसते हैं। God damn it. You are absolutely right. पापा, आप कब आए? ठीक उस वक्त जब तुम फैशन वर्ल्ड के पतन की चिंता कर रही थी। क्या करूं पापा, आप देखो तो सही। पर क्यों बेटा, एक कहावत है जो बिल्कुल सच है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, लेकिन ये कहावत किसी दूसरी दुनिया की, हमारी दुनिया जिसे हम फैशन वर्ल्ड कहते हैं, ऐसी मछलियों को निकाल के बाहर कवर कवर गो एट। Stop. क्या हुआ पापा? सलीना ग्रेवाल, आप इसे जानते हैं? बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। मशहूर राइटर और सोशल एक्टिविस्ट शोभना ग्रेवाल की बेटी है। पिछले दिनों जब लंदन स्कूल ऑफ फैशन में पढ़ रही थी, तो अपने पढ़ाई के दौरान इसने पूरे यूरोप में अपने फैशन शो और रैंप से हंगामा मचा दिया था। हाँ, वैसे स्पार्क तो है। स्पार्क? स्पार्क नहीं बेटा, तूफान है ये, तूफान। एक बार रैंप पर आ जाना तो अपने सामने किसी को टिकने नहीं देगी। Thank you.
छोटी बेटी तान्या आईएएस ऑफिसर बनना चाहती है, बन के रहे। और सलीना बेटी, तुझे मिस इंडिया का क्राउन पहनने से कोई नहीं रोक सकता। So, done? Done. ये सब क्या हो रहा है राजा? सब तेरे वास्ते सुहानी, सब तेरे वास्ते। पूरा बस्ती, पूरा मोहल्ला आज कितना खुश है तेरे को मालूम है? क्योंकि तूने इस बस्ती का नाम ऊंचा कर दिया है सुहानी। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया राजा। अरे नहीं किया तो क्या हुआ, तू करेगी ना? अपनी बस्ती की छोकरी मिस इंडिया बनेगी, यानी सुहानी मिस इंडिया बनेगी। ए लुक्का, ए तुम बैठो, तुम बैठो, बैठो बैठो। आई तू भी बैठ, आई तू भी बैठ, अभी आराम कर एकदम। लुक्का अपन भी आ रहे लेट। भैया आप ठीक तो हैं? सुहानी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बस्ती वाले इतने खुश क्यों हैं? ए कहीं तू? हाँ भैया, मैं मिस इंडिया 2005 में पार्टिसिपेट कर रही हूँ। वाओ, ये तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की होगी कि तुम फौरन संजना गुजराल का घर छोड़कर घर पर लौटा हो। भैया वो बहुत खतरनाक औरत है। सुहानी तुझे कैसे पता चला कि मैं संजना के साथ रह रहा हूँ? भैया वो संजना गुजराल और उसके पिताजी घर पर आए थे और संजना गुजराल राजीव भैया की तस्वीर को देखकर चौंक पड़ी क्योंकि उस तस्वीर पर माला नहीं थी। अच्छा, तो ये था संजना गुजराल के बदले हुए तेवर का राज
कोई बात नहीं संजना गुजराल, अब बाबू के तेवर देख लो। संजना बस्ती गई थी और राजीव की तस्वीर पर उसने माला नहीं देखा, इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ये सोच रही है कि राजीव जिंदा होने की खबर सुहानी और मां को पता चल गई? चलो बाबू, इससे एक तो फायदा हुआ कि संजना को यकीन हो गया कि मैं ही राजीव हूं, लेकिन नुकसान यह हुआ है कि उसे यह भी यकीन हो गया कि मैं राजीव अपनी याददाश्त खोने का नाटक करके उसके साथ कोई चाल चल रहा हूं। अन्ना, बेटा देरी हो रही है। यस पापा, आई एम रेडी। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हाँ, क्यों? नहीं पापा, क्या है ना, घर पे बैठे बैठे मैं बोर हो गया हूँ और जाना, आई वॉन्ट स्टार्ट द बिजनेस, आई एम डेस्परेट टू ज्वाइन द बिजनेस। अभी मुझे इस घर में घुटन सी होती है। ऑफ कोर्स राजीव, बिजनेस संभालने की जिम्मेदारी तो तुम्हारी थी और अब तुम वापस आ गए तो बिजनेस को तुम ही संभालोगे। जाना, वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं रेडी हूँ, मैं आज से ही शुरुआत करना चाहता हूँ। देखो राजीव, इस वक्त हम ऑफिस नहीं जा रहे, कहीं और जा रहे हैं। दरअसल में यूनिकॉर्न मीडिया ग्रुप ने इनवाइट किया है। पापा फिर तो मुझे चलना चाहिए। जाना, हमने क्या डिसाइड किया था कि क्रिएटिविटी तुम्हारी तरफ से होगी और फाइनेंशियल मैटर्स मैं डिसाइड करूंगा। और पापा, इस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद ही तो मैं डिसाइड करूंगा कि हमें इस इवेंट पे कितना पैसा खर्च करना चाहिए। यू आर राइट राजीव, बिल्कुल। एक्चुअली तुम इतने सालों के बाद आए हो तो मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे आने की खबर एक धमाकेदार हो। बस मुझे सही वक्त का इंतजार है, फिर तुम्हें इस घुटन से मुक्ति मिल जाएगी। चले पापा। Oh yes, let's go. Bye. Take care. जो मैंने गाइड रिकमेंड किया था, कैसे पढ़ा रहा? He's nice. He has got good track record. दो बच्चे गए हुए हैं इसमें उसके। पापा, I'm taking your car. By all means, बेटा। ध्यान से चला। Okay, don't worry, पापा। पर सेलिना, नाश्ता तो करके जा यार। No way, तानिया। I'm already late. You know, तानिया, आज हमें सेशन दिए जाएंगे और नंबर्स भी मिलेंगे। Guess what number I'll get? Obviously, sis. Number one. Thanks, sis. चलती हूँ पापा। Okay. एक मिनट बेटा। नंबर वन पाने के लिए दादी माँ का आशीर्वाद भी जरूरी होता। चल ले, आरती ले। दादी माँ, ये कपूर का काला काला धुआं मेरा फेस काला हो जाएगा। चुप, ऐसी बातें नहीं करते आरती के बारे में। दादी माँ, प्लीज दादी माँ, अगर ये मैं अपने फेस पे लगा के जाऊंगी तो बहुत फनी लगूंगी। प्लीज दादी माँ, बाय बाय सिस, बाय पापा। बेस्ट ऑफ लक बेटा। हे भगवान, इस लड़की के लड़कपन को माफ करना और उसे सफलता देना। तुम्हारा चेहरा क्यों मुरझा गया? नहीं तो सुहानी, देख तो कैसा खुशी से मेरा चेहरा खिल गया। माँ, चेहरा तो खिल गया है पर तुम्हारी आंखें नमसी हो गई है। क्या बात है माँ, क्या करूं सुहानी? कुछ पुरानी यादें आंखों के सामने आकर चल गई। याद है सुहानी, बचपन में जब तुम लोगों के इम्तिहान होते थे, मैं सिर्फ राजीव की आरती उतारती थी, तेरी नहीं। तुम उसे झगड़ा करती थी और पता है तुझे तेरे बाबूजी क्या कहते थे?
तुम अपने बेटी की आरती उतारो, मेरा और मेरे खानदान का नाम मेरी ये बेटी रोशन करेगी। हाँ माँ, सब कुछ याद है। एक कलेक्टर की ऑफिस में हेड क्लर्क की नौकरी करने वाली मेरी बाबूजी की यही अंतिम इच्छा थी कि मैं आईएएस बनूं, कलेक्टर बनूं। लेकिन तुम्हें देखो, वक्त का ये खेल, आज इस वक्त ने मुझे किस मुकाम पर पहुंचा दिया। माँ, जिस मुकाम पर इंसान को सफलता मिले वही मुकाम उसके लिए मंजिल बन जाता है बेटा। आज अगर तेरे पिताजी होते तो वो ये सब देखकर कितना खुश होते। और तू ये क्यों कह रही है, तू आईएएस ऑफिसर बने या मिस इंडिया, तेरे पिताजी को तो हर हाल में खुशी होती। जा बेटी जा, तेरे पिताजी का आशीर्वाद है तेरे साथ, जा जाकर कामयाबी की बुलंदी को छू ले। जी माँ। जी तेरे, भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। ऑल द बेस्ट। लीना,